हरियाणा प्राइम आप देख रहे हैं। जासूसी मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गया है। इनेलो ने जहां जासूसी के मामले को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया, वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार सही रास्ते पर नहीं जा रही। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से किए गए जासूसी के खुलासे के बाद अब हर तरफ से जासूसी की शिकायतें आने लगी हैं। कविता जैन, विक्रम ठेकेदार और विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ने जहां अनिल विज के आरोपों को सही ठहरा दिया है, वहीं नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने भी खट्टर सरकार को जासूसी के मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया है। अभय चौटाला ने खट्टर सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उनकी भी जासूसी कराती है और उनके फोन भी टैप कराए जाते हैं। रोज मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कहीं ना कहीं खटास है और अब तो बड़ा खुल करके सामने आ गया कि किस तरह से मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों के प्रति जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास ही खत्म हो गया। अगर सरकार में मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर प्रदेश का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं इनके फोन भी टेप किए जाते हैं। मैं कहता हूँ मेरे फोन भी टेप किए जाते हैं, ये हो ही नहीं सकता। पिछली सरकार ने 10 साल मेरे फोन टेप किए और इस गवर्नमेंट ने भी 100 के 100% मेरे टेलीफोन भी टेप किए। मैंने तो इस इश्यू को कभी उठाया नहीं, मेरे घर के बाहर भी सारा दिन सीआईडी वाले खड़े रहते। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये मामला सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की जासूसी से जुड़ा है, ऐसे में इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिस पार्टी को, जिस सरकार को अपने मंत्रियों पर एतबार नहीं, वो बाकी दूसरी पार्टी को लीडर पर कैसे ये जासूसी करते होंगे इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमारी पार्टी चाहती है एक मंत्री का कद बहुत बड़ा होता है, इसकी कोई हाई लेवल और जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। अशोक तंवर ने कहा कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अशोक तंवर ने कहा कि सरकार को भी पता है कि उनके मंत्री किस तरह के काम कर रहे हैं, इसीलिए उनकी जासूसी करवाई जा रही है। तंवर ने कहा कि सरकार को अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है और सरकार सही रास्ते पर नहीं चल रही है। का संकेत है कि कहीं ना कहीं जो हम बात कहते थे कि भाई अभी से ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तमाम और जो दूसरे हैं, तभी मैं समझता हूं कि इस तरह की जरूरत पड़ी। आज अपने ही मंत्रियों के ऊपर सरकार को भरोसा नहीं है और 6-8 महीने में जो कार्यकलाप इनके हैं उसी को देखते हुए हो सकता है इस तरह का निर्णय हो, और मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं संदेह और शंका जो बार बार जताई जाती थी कि ये जो राज है इसमें इस तरीके की आशंका है। उधर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी इस मामले को गंभीर बताया है। शिक्षा मंत्री ने अनिल विज को एक वरिष्ठ मंत्री बताते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज जैसा वरिष्ठ मंत्री और 15 दिन से कह रहा है कि ये मेरे को वाच कर रहे हैं, कविता जैन जैसी वरिष्ठ मंत्री ये बात कह रही है, विक्रम यादव ये बात कह रहे हैं और माननीय स्पीकर साहब ने भी कही है, तो हम इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को अनिल विज ने सीआईडी विभाग के कर्मचारी सुरेंद्र पर आरोप लगाया था कि सुरेंद्र पिछले काफी दिनों से उनकी जासूसी कर रहा है। उनके इस आरोप के समर्थन में मंत्री कविता जैन और विक्रम ठेकेदार भी सामने आए थे, जबकि शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ने भी कुछ ऐसा ही इशारा कर दिया। बहरहाल एक के बाद एक जासूसी के इस खेल की खुलती परतों ने सरकार की नींद उड़ा दी है और आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर सियासत कितनी गर्माती है इस पर तमाम सियासी निगाहें टिकी हुई हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। लंबे समय से लटक रहे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालयों के बंटवारे का पेच अभी बीच में ही फंसा हुआ है। अनिल विज के जासूसी करवाने के आरोपों ने सरकार को ऐसे समय पर उलझन में डाला है जब सरकार मंत्रालयों के बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के लिए हाथ पैर मार रही है, और ये गुत्थी सुलझानी सरकार के लिए कितनी टेढ़ी खीर साबित हो रही है इसका आभास इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के 3 दिन बाद तक नए मंत्रियों के विभाग
तय नहीं हो सके हैं। इस पर विपक्ष के आरोप सरकार के जले पर नमक का काम कर रहे हैं। आजकल खट्टर सरकार पर सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात 100% सही साबित हो रही है। लंबे समय से गले की हड्डी बने मंत्रिमंडल विस्तार से छुटकारा मिलते ही पेच विभागों के बंटवारे पर आकर फंस गया। करीब 3 दिन से इस गुत्थी को सुलझाने में उलझी सरकार के सिर एक और बमा फूटा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जासूसी किए जाने के आरोप बढ़ दिए हैं। यानी खट्टर सरकार एक गुत्थी को सुलझाती है तो दो और पहेलियां पैदा हो जाती हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार का पेच ही पिछले काफी समय से अटका पड़ा था। 9 महीने बाद सरकार ने इसे 23 जुलाई को सुलझाया तो बात मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर उलझ गई। सरकार के लिए उलझन कितनी बड़ी है इस बात का आभास यहीं से लगाया जा सकता है कि 3 दिनों से सरकार ये तय नहीं कर पा रही कि नए मंत्रियों को कौन कौन से विभाग सौंपे जाएं, या फिर यूं कहें कि पुराने साथियों से कौन कौन से विभाग छीन लिए जाएं। सरकार अभी विभागों के बंटवारे में ही उलझी है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी। विज ने आरोप लगाया कि उनकी जासूसी करवाई जा रही है। विज के आरोपों ने कई सवालों को जन्म दे दिया है जिनका जवाब सरकार को हर हाल में देना होगा। मसलन, क्या अनिल विज की वास्तव में जासूसी करवाई जा रही थी, और अगर हाँ तो क्यों और किसके कहने पर? इन सवालों का जवाब अगर हाँ में आता है तो आने वाले दिन खट्टर सरकार में उथल पुथल मचाने वाले साबित हो सकते हैं। फिलहाल सरकार इन उलझनों को सुलझाने में उलझी है तो वही विपक्ष सरकार के जले पर नमक छिड़कने वाले काम में लगा हुआ है। विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर कई हमले एक साथ कर रहा है। अब सरकार में मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ी बगावत है, या तो मंत्री को पद से हटाना चाहिए या मुख्यमंत्री को हट जाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री का वाकई अपने मंत्रियों के प्रति विश्वास नहीं रहा तो फिर मुख्यमंत्री को या तो उन मंत्रियों को हटा करके नई फौज खड़ी कर लेनी चाहिए, और अगर नई फौज नहीं खड़ी करते तो फिर इस कुर्सी के चिपक करके नहीं बैठना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। आज अकेला एक विज बगावत पे नहीं, आज तो ये मान करके चलो आप कम से कम भी मेरे को जो सूचना है 7 से 8 मिनिस्टर ऐसे हैं जो आज मुख्यमंत्री से किसी ना किसी इशू को लेकर के नाराज है। बना दिए, और जब विभाग देने की बात आई तो कहने लगे विभाग के लिए पार्टी को, जिस सरकार को अपने मंत्रियों पर एतबार नहीं वो बाकी दूसरी पार्टी को लीडर पर कैसे ये जसूसी करते होंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारी पार्टी चाहती है एक मंत्री का कद बहुत बड़ा होता है, इसकी कोई हाई लेवल और जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। बहरहाल खट्टर सरकार के सामने चुनौती जनता के साथ किए हुए वादे पूरे करने की है, जबकि ध्यान बिन बुलाए मेहमान की तरह एक के बाद एक करके आ रही पहेलियों को सुलझाने में लगा है। ऐसे में सरकार मौजूदा परिस्थितियों से कैसे पार पाएगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।